अयोध्या गैंगरेप कांड का मुख्य आरोपी मोहित खान चारों तरफ से फंसता नजर आ रहा है। गैंगरेप के बाद अब मोहित खान का एक और बड़ा कांड सामने आ गया। अयोध्या गैंगरेप कांड के आरोपी और समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में केस दर्ज हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक भदरसा के ब्रांच मैनेजर ने मोहित खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि अवैध कब्जे वाली जमीन को लेकर बैंक से अवैध एग्रीमेंट किया गया था और पीएनबी बैंक से मोहित खान मोटा किराया ले रहा था। दरअसल पीएनबी की भदरसा ब्रांच मोहित खान द्वारा कब्जा की गई जमीन पर चल रही थी। दरअसल कुछ दिन पहले मोहित खान के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला और इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच चल रही थी। पीएनबी ब्रांच के मैनेजर ने बताया कि इस जमीन का एग्रीमेंट 15 अक्टूबर 2020 को हुआ था, जो कि आरोप लगाया कि मोहित खान ने अवैध तरीके से करवाया था। जिस वक्त मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला, उस वक्त अयोध्या विकास प्राधिकरण ने पीएनबी बैंक को एक नोटिस जारी किया और उस वक्त उस नोटिस के जरिए ये खुलासा हुआ कि जिस जमीन का मोहित खान मालिक था ही नहीं, उसने बैंक से उसी जमीन का एग्रीमेंट किया और पंजाब नेशनल बैंक से किराए के तौर पर वो मोटी रकम वसूल कर रहा था। आपको बता दें कि अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान लगातार जेल में बंद है। मोहित खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि पीड़िता से मोहित खान का डीएनए मैच नहीं हुआ, बल्कि मोहित खान के आरोपी ड्राइवर राजू खान से पीड़िता का डीएनए मैच हुआ, लेकिन मोहित खान अभी भी इस गैंगरेप का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और अब मोहित खान पर बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का केस भी दर्ज हो चुका है। अयोध्या से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।